मो दल तरफ प्रथम महिला स्पीकर भाव मो नाम चयनित होगा पर आज विधानसभा पूर्ण समर्थन मिली एवं विधानसभा आज बाचस्पतिर आसन में बसवार सुजोग मत मिली। ये अवसर में मु 4.5 कोटी ओडिया को स्वार्थ पाई ओडिया अस्मितार सुरक्षा पाई तथा ओडिशार विकास पाई जो निर्वाचित प्रतिनिधि माने विधानसभा रे आसी पहुंची सारी से मानकर कार्यदक्षता उपरे आगामी ओडिशार भविष्य निर्भर करुथिबारु से मानको समस्तंकु अभिनंदन जणैबा सहित एक निरपेक्ष बाचस्पति हिसाब रे पंडित नीलकंठ दासंकर ठारु आरंभ करी अनेक पूर्व सूरी मानंकर जो परंपरा रही से परंपरा को बजाय रखी मोर दायित्व निर्वाह करी ये भरोसा मु ओडिशावासी को दौची। ओडिशार विकास रे विधि प्रणयनकारी जी भूमिका रही ओडिशावासी प्रत्यक्ष सहयोग रेकी आवश्यकता रही आंचलिक समस्या रो उपस्थापन एवं तार समाधान ए सरकार निश्चित भाव करी पारिबो ए विश्वास मध्ये मोर अछि। निश्चित भाव विधि मुताबक सब प्रकार सेशन आरंभ हम कार्यक्रम तो चलो गोटी पटरे संख्या एकक संख्यागरिष्ठ शासक दल एवं अन्य पटरे मध्य बहु अनुभव रखि विरोधी दलर सदस्य माने देखु तो समस्त लक्ष्य एक ओडिशार विकास से माने मध्य निज अंचल निर्वाचित होती ओडिशार विकास कथा कहकर अंचल अंचल विकास कथा कहक तेणु से कथार जो गणतंत्र मंदिर हो विधानसभा जो ए समस्त कथार आलोचना एवं आलोचना आधार में निष्कर्ष बाहरी विकास गतिपथ आग को बढ़ एक क्षेत्र से अनुभव करुच्चे विरोधी निजर भूमि निजर जो अनुभव अच्छी से अनुभव को सकारात्मक ढंग से नेबे एवं शासक दलर मध्य जो अनुभव रही से माने मध्य सकारात्मक ढंग से चलिए एवं जड़े बाचस्पति हिसाब से मु समस्त को समदृष्टि देखा देखी जहाँफल एटी परस्पर निश्चित भाव में सहयोग करी ओडिशा विकास में सहायक होते निश्चित भाव मु आसी देखिली एक प्रकार व्यवस्था होती समस्त सभ्य मान प्रशिक्षण देवार भी आवश्यकता रही जहाँ संभव हो पार जिते शीघ्र कार्यकारी कर निश्चित भाव मो बापा जड़े सरकारी कर्मचारी सेक्रेटेरिएट अंडर सेक्रेटरी हिसाब से रिटायर्ड कर स्वर्गत हरिश्चंद्र पाढ़ी भुवनेश्वर रहिबा पाठ पढ़ा योग्य होगा ए सुजोग बापा कारण मिली परवर्ती समय रे राजनीति क्षेत्र रे काम करू करू दुई थर विधानसभा को निर्वाचित होबार सुजोग मिली। ए अवसर में रणपुरवासी 2004 मसीह मते निर्वाचित करई थिले 2024 रे पुणी निर्वाचित करई छंती मोर अंचलवासी को अनेक अनेक कृतज्ञता जणौछि। जड़े साधारण परिवार रु आसिथिबा वास्तविक मु केबे भी भाभी नथिली जे एभली
गणतंत्र मंदिर सर्वोच्च पदवी अधिष्ठित होगी।